हेलो फ्रेंड्स, किसी भी आम आदमी को लोन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ता है। कुछ ऐसा क्रेडिट हिस्ट्री होना चाहिए, कुछ ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए जिसको दिखा के किसी भी आम आदमी लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर भी आपको दोबारा सोचना है कि आप जब दोबारा लोन को रिटर्न करोगे, रिपे करोगे, कैसे आप रिपे करोगे। लेकिन दोस्तों, अभी का समय में कुछ ऐसा एप्लीकेशन निकल के आ गया जिसके मदद से आपको इंस्टेंट लोन मिल रहा है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। यहाँ पर आपको लोन दिया जाएगा एंड कुछ ही दिन बाद आपके पास कॉल आएगा, SMS आएगा व्हाट्सएप पर आप लोन को रिटर्न करने के लिए। आप जितना भी लोन लिया था उससे भी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट आपके पास मांगा जाएगा। अगर आप लोन को देने के लिए इनकार कर दें या फिर हाई बजट के वजह से आप लोन को दे नहीं पाए, फिर वहाँ पर आपको स्कैम चालू होता है उन लोगों का। आपको व्हाट्सएप में ब्लैकमेल किया जाएगा, आपके फ़ोन में जितना भी कॉन्टैक्ट लिए से आपका फ़ोन का फोटो का एक्सेस है वो पूरा उसके पास चला जाएगा एंड वहाँ पर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी स्कैम के वजह से बहुत सारा आदमी सुसाइड भी कर लिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सुसाइड भी कर लिया इसी स्कैम के वजह से। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में समझता है इसी चाइनीज लोन एप्लीकेशन के बारे में। फाइनेंसिंग या लोन ऐप के जरिए पहले लोग ऑनलाइन लोन लेने की झांसे में आ रहे हैं। और बात कुछ 4-5 महीने का पहले खबर है, दिल्ली पुलिस ने 22 लोगों को अरेस्ट कर लिया था 500 करोड़ चाइना भेजने वाले के लिए। सिर्फ एक ही न्यूज़ नहीं है, ऐसे हजारों न्यूज़ सुनाई दे रहा है चाइनीज लोन एप्लीकेशन के बारे में। पुलिस का ये कहना है कि हमारा ही इंडियन लड़के लोगों को लेके जाके वहाँ पे ट्रेनिंग दे के फिर इंडिया में लेके आके इस चाइनीज एप्लीकेशन का पूरा ऑपरेट कर रहा है इंडियन लोगों को दोबारा। इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर है जहाँ पर हमारा इंडियन इलाके लोग काम करता है, जो लोग आपको कॉल करता है लोन लेने के लिए या फिर देने के टाइम। बहुत ऐसा न्यूज़ निकल के आ रहा है इस स्कैम के बारे से जो कि सुसाइड तक चला गया है, सुसाइड तक कर लिया है। पुलिस ने बहुत सारे को पकड़ा है एंड अरेस्ट भी किया है एंड उसके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन को बैन भी किया जाए इंडियन के द्वारा। तो दोस्तों, ये जितने भी फर्जी लोन का एप्लीकेशन है आपको पूरा प्ले स्टोर में मिल जाएगा। कोई भी जब लोन के लिए इधर उधर जाता रहता है, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रहता है, फिर उसके सामने ये एप्लीकेशन आके हाजिर होता है उन लोगों को ऐड के द्वारा। फिर वो जाके प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है एंड यहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन करता है। अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा आपका फ़ोन में अलाउ मांगा जाएगा जिसके द्वारा आपका फ़ोन का जितना भी फ़ोन का एक्सिस है वो एक्सिस, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका फ़ोन का पूरा ऑपरेट करने वाला जो भी फ़ोन का एक्सिस है वो उन लोगों के पास चला जाएगा। फिर आपका जो भी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट आपको डालने के बाद आपको कुछ अमाउंट का वो आपको अकाउंट में पे कर देगा। आपका अकाउंट नंबर भी वहाँ से लिया जाएगा एंड आपको अकाउंट में पे कर देगा। आप जितने के लोन लोगे उससे भी 34% आपको वहाँ से कुछ काट के फिर आपको पे कर दिया जाएगा। फिर कुछ ही हफ्ते के बाद आपके पास कॉल आएगा, आप जितना भी लोन लिया था उस अमाउंट को पे करने के लिए आपके पास व्हाट्सएप SMS आएगा, आप जितना भी लोन लिया था पे करने के लिए। अब लोन जितना लिया था उससे भी ज़्यादा हाई अमाउंट आपको पास पूछा जाएगा कि ये आपको चार्ज है देना पड़ेगा। अब जब एक बार पे कर दोगे फिर दोबारा आपके पास कॉल आएगा, दोबारा आपके पास व्हाट्सएप में मैसेज आएगा, आपको ब्लैकमेल किया जाएगा कि आपके पास फिर आपको फिर दोबारा पे करना है, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी फोटोज है हम पब्लिक को दिखा देंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट को दिखा देंगे, आपके पास जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है पूरा फ़ोन का एक्सिस हमारे पास चला है, हम आपको सभी को दिखा देंगे अगर आपने दोबारा पे नहीं किया तो। फिर किसी ने आके इस बातों को सुन के डर जाता है एंड दोबारा पे कर देता है और जितना उसके पास रहता है अमाउंट वो पे कर देता है एंड उसके बाद किसी ने तो सुसाइड भी कर लेता है जो कि दोबारा पे नहीं कर सकता है एंड इसके बाद से सुसाइड तक भी कर लेता है। दोस्तों, पुलिस तो इसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इस लोन को जो भी स्कैमर है इसको पकड़ने के लिए। आप भी सतर्क रहिए थोड़ा ताकि इस लोन के लिए दूरी रहे, इस ऐसे वाला एप्लीकेशन आप डाउनलोड मत करिए यानी ऐसे लोन लेने के लिए तैयारी भी नहीं की है। फिर भी आप अगर लोन लेना चाहते हो आप किसी भी बैंक में जाइए या फिर कुछ ऐसा एप्लीकेशन के मदद से लीजिए जिसका हमारा कुछ इंडिया में ऑफिस है, कुछ वेबसाइट है जो कि आप देख के बोल सकते हो कि यहाँ से जाके लोन आप लोगे तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है। आप कुछ एग्रीमेंट कीजिए, साइन तक कीजिए कि आपको कुछ लोन के लिए दोबारा आपको कोई भी टेंशन ना लेने पड़े, आपको ऐसा स्कैम ना हो पाए। फिर भी अगर आप इस लोन के वजह से फंस गया तो आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस आपको ज़रूर हेल्प करेगा एंड ऐसे आपको बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प आप पुलिस ही आपको कर सकता है। और आप इस वाला ऐप को दोबारा डाउनलोड मत कर दीजिए एंड ऐसा भी जो भी ऐप है इसको नाम पर रिपोर्ट भी कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हो कहीं अगले वीडियो में ऐसे टॉपिक को लेके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का टॉपिक आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एक जरूर कर देना।